नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। सेवा पखवाड़ा के पांचवें दिन बुधवार को चक्रधरपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मालती गिलवा के आवास पर पौधारोपण वितरण कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम के दौरान कुल 500 पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक शशिभूषण सामड एवं महिला मोर्चा प्रदेश सदस्य मालती गिलवा के द्वारा नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं भाजपा के कार्यकर्ता तथा प्रभारियों को पौधे सौंपे गए एवं उन पौधे को जिस स्थान पर लगाकर उसके रखरखाव करने की अपील की गई। पूर्व विधायक शशिभूषण सामड ने कहा कि प्रकृति समस्त प्राणियों का पालन पोषण करती है। प्रकृति से मिलने वाली प्राण वायु ऑक्सीजन से ही समस्त जीव जंतुओं को जीवन का अस्तित्व है। वर्तमान परिवेश में प्रदूषण एवं अन्य कारणों से प्रकृति से प्राण वायु ऑक्सीजन कम होती चली जा रही है, जिससे प्रकृति संकट में है। इसलिए प्रकृति की सेवा करने के लिए हमें समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ साथ वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज हत्या के मामले में आरोपी दुसु चातुम्बा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जगन्नाथपुर थाना में ब्रजमोहन चातुम्बा की शिकायत पर दुसु चातुम्बा सहित अन्य लोगों के खिलाफ 2006 में भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 24 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों द्वारा जमीन विवाद को लेकर विजेंद्र हिस्सा की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2009 में न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और आज दुर्सु चातुम्बा को सजा सुनाई गई है। सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोविड-19 टीकाकरण का बूस्टर डोज देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। जैतगढ़, कुमारडुंगी, झीकपानी, सोनुआ, चक्रधरपुर, खुटपानी और चैबासा में लगाए गए शिविर में कुल 340 लोगों का टीकाकरण किया गया। आज के कार्यक्रम का संचालन जिला परिषद सदस्य और संयोजक लालमुनि पूर्ति ने किया। गुटुसाई में आयोजित टीकाकरण शिविर का शुभारंभ मुखिया सुमित्रा देवगम और जिला परिषद सदस्य लालमुनि पूर्ति ने किया। इस दौरान पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई, पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, भाजपा की जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, सतीश पुरी, रामानुज प्रसाद शर्मा, नगर अध्यक्ष अक्षय खत्री, दिलीप साव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारे नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। दुर्गा पूजा को लेकर चायबासा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो ने सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की। इसमें सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में
पर्व मनाने की अपील की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने पर्व त्योहार को लेकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने की अपील सभी दुर्गा पूजा समितियों से की है। बैठक के दौरान पूजा समितियों और शहर के लोगों द्वारा विभिन्न तरह की समस्याओं की ओर से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया। लोगों ने कहा कि पाइपलाइन का काम होने के कारण शहर की सड़कों का हाल बेहाल है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, ज़्यादातर क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहा है। इस पर प्रशासन की ओर से समय रहते साफ सफाई का काम पूरा करने का निर्देश चाईबासा नगर परिषद को दिया गया। नगर परिषद की ओर से बैठक में मौजूद सिटी मैनेजर ज्योति पुंज ने कहा कि इस बार पूजा पंडालों के लिए स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। बेहतर साफ सफाई रखने वाले पूजा समितियों को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक के दौरान लोगों ने बिजली व्यवस्था का मामला उठाया, जिस पर विभाग की ओर से SDO गौतम राणा ने आश्वस्त किया कि पूजा के दौरान बिजली व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। 2 साल के बाद इस बार बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है, इसको देखते हुए विधि व्यवस्था को लेकर भी जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अफवाह के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जा सके। इस बार पूजा में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, लोग अपने घरों से निकल के पूजा को एंजॉय करना चाहेंगे, तो उसी के परिपक्ष में आज हम लोगों ने खाद्य समिति की बैठक किया था, जिसमें कि हमारे शहर के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, जितने भी हमारे पंडाल के समिति हैं, समिति के जो सदस्यगण हैं, सभी हम लोगों ने बुलाया और उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा विचार विमर्श हुआ कि दुर्गा पूजा के पूर्व जो भी समस्या आती है, जैसे सड़क से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो या बिजली से संबंधित हो, तो यहाँ भी हमारे पदाधिकारी आए हुए थे, उनको इन लोगों ने उनका कहाँ कहाँ समस्या है उनसे अवगत कराया है। और हम उम्मीद ही नहीं पर बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि हम लोग जो भी इन लोग पब्लिक की तरफ से जो भी ग्रीवांसेस आए उसको हम लोग विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेट करते हुए उसको जल्द से जल्द उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि कोई भी जो भी पूजा उत्सव होने वाला है तो इसमें जो विधि व्यवस्था की जो समस्या होती है उस पर भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की, और जो इस पूरे जो पूजा उत्सव में सभी जगह हमारे दंडाधिकारी या पुलिस बल सभी जगह तैनात रहेंगे, लेकिन जो पूजा पंडाल में जो कुछ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो छेन चीनी हो, चाहे वो छेड़खाने से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरह, तो उसमें हम लोगों ने पूजा पंडाल से सहयोग मांगा है कि वो अपने पूजा पंडाल के आसपास अपने वॉलंटियर्स भी रखेंगे और इन चीज़ों पे भी कड़ी नज़र रखेंगे। अगर कहीं भी लोगों को कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को या प्रशासन को खबर करें ताकि हम लोग समय रहते उस समस्या को हम लोग निपटा सकें और इसमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा बात मैंने बढ़ने सुरक्षा के मान से दृष्टिकोण रखते हुए भी आप अपना अग्निशामक रखें, साफ सफाई रखें, और कोई भी उस तरह का अगर कुछ होता है अफवाह पे होता है तो तुरंत पुलिस को खबर करिए। और हम लोग नज़र रखेंगे, ड्रोन से भी दिन में नज़र रखेंगे हम लोग, और बाकी हमारा सिविल ड्रेस में भी रहेगा और हम लोग खुद भी रहेंगे कि कोई भी उस तरह का अगर उपद्रवित्व मिलता है या हमारे हम लोग को शिकायत मिलता है तो हम लोग अविलंब उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद और बाकी हम लोग और ध्यान दे रहे हैं कि इस पर्व के टाइम में काफ़ी सारे असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, तो कुछ कर देते हैं, कुछ अगर नशा में रहते हैं तो उन लोग का भी हम लोग ऐसे इलाज करेंगे, और अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके उस पर कड़ी से कड़ी सजा करेंगे। स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत आज नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज और कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र महतो के नेतृत्व में शहर के सिद्धेश्वर मंदिर से लेकर पोस्ट ऑफिस चौक तक साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्थानीय लोगों के साथ साथ वार्ड पार्षदों, सफाई मित्र और
नगर परिषद के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। अभियान के दौरान झाड़ी की कटाई, रोड स्वीपिंग, प्लास्टिक कचरा को चुनने और सड़कों को साफ सुथरा करने का कार्य किया गया। नाबार्ड द्वारा कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास की परियोजना के कार्यान्वयन करने वाले विभागों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। कार्यक्रम में नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक जय निगम, पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, सरायकेला खरसवां के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, वित्त विभाग, झारखंड सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव, डीडीएम नाबार्ड साकेत कुमार और जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड सिद्धार्थ शंकर मौजूद रहे। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में सतत एवं दीर्घकालीन विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास परियोजना निर्णायक घटक होगा। उन्होंने योजना को गुणवत्तापूर्ण और समय से पूरा किए जाने पर बल दिया। नाबार्ड के उप महाप्रबंधक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ने पर कृषि, कृषि आधारित गतिविधियाँ, ग्रामीण पुल और सड़क, सामाजिक बुनियादी ढांचा सहित कुल 39 गतिविधियों के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।